नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? ओम प्रकाश जाटव। ओम प्रकाश जाटव जी, ये जो आप समाज सेवा कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कब से मिली, कैसे मिली? इसकी प्रेरणा तो जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तब मिली थी, और उसके बाद यही सोचते रहे कब कैसे शुरू किया जाए, जो सामाजिक सेवा है या कुछ इस तरह के कार्यक्रम हैं। तो हम नांगलोई में, हमें जब नौकरी मिल गई तो नांगलोई रहते थे। नौकरी कहाँ मिली आपको? नौकरी मिली हमें DGSND में, डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई। तो आपको कैसे ख्याल आया कि बाबा साहब का कोई काम बाकी है, वो आपको करना है? हमें तो बाबा साहब के शिक्षा का काम जो था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, हमारा तो शिक्षा पर ही उस टाइम ध्यान था कि गांव में पढ़ने की तरफ ध्यान कम है। तो हम लोगों का एक ग्रुप तैयार हो गया नांगलोई में, तो हमने गांव में जा, ग्रुप तैयार हुआ, इसमें 10-11 लोग थे हम। तो क्या करने का सोचा उन्होंने? उन्होंने ये सोचा कि गांव में जाएं हम, मेरा गांव या मेरे आसपास के जो गांव हैं मैं उनमें ले जाऊंगा, दूसरा अपने गांव के आसपास। इस गांव में या जहां के रहने वाले थे वहां के? जहां के रहने वाले थे। अच्छा, उन गांव में जाके जागृति फैलाने? हाँ, जागृति। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद कैसे आपने तेजी की इसमें? तो ये काम चलता रहा, उसके बाद फिर धीरे धीरे नौकरी बढ़ती रही लोगों की, तो अलग अलग होते रहे, तब अपना काम अलग अलग। बाबा साहब की आवाज़ सबसे पहले आपको किस माध्यम से आपके कानों में आई? बाबा साहब की आवाज़ तो हमें रेडियो वगैरह यही थे ज़्यादा साधन। कार्यकर्ता सबसे पहले कौन सा आपके पास आया, या कोई नेता जिसका विचार आपके पास आया? कोई कार्यकर्ता हमारे पास आया नहीं, बल्कि तो स्वजागृत मन से ही था सभी के मन में कि ऐसा कुछ होना चाहिए। बाबा साहब, बाबा साहब का नाम पहली बार आपको किताबों में मिला? किताबों से भी ज़्यादा, बाजार में गए तो देखा बाबा साहब के फोटो लगे हुए हैं, लोगों ने कहा बाबा साहब अम्बेडकर हैं और ये हम लोगों के बहुत बड़े रहनुमा हुए हैं, तो उस तरह ख्याल आया। कितनी उम्र है आपकी अभी? अभी मेरी उम्र 71 साल की है। और लगभग कितने साल पहले आपको ये ख्याल आया था कि बाबा साहब का कुछ हमें जानकारी होनी चाहिए? हमें कोई 35 साल की उम्र में ख्याल आया था। अच्छा, तब से लेके लगातार लगातार कुछ ना कुछ करते रहे, तो कहीं कामयाबी मिलना। विकासपुरी में जो आपने ये संगठन बनाया फाइनेंस वाला, और जो ये अम्बेडकर सोसाइटी आपने बनाई, इसका ख्याल कैसे आया और कैसे इसमें जुड़े आप? इसका ख्याल सबसे पहली बार यहाँ लोग इकट्ठा होना शुरू हुए विकासपुरी में, जब अलॉटमेंट हुई तो ये सबके मन में इस विचार था, अपने अपने अलग विचार थे कि हम लोग एक संगठन बनाए, सब अलग अलग एक तरह से रह रहे थे, तो उनको इकट्ठा करने की बात थी। तो 1984 के जो दंगे हुए थे उसके बाद एक भावना ये आई थी कि हम सब भी एक तरह से यूनाइटेड होकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये ख्याल 1985-86 में भी एक इसके लिए कोशिश की गई थी जी जीवन ब्लॉक में, उसके बाद वो कार्यक्रम उनका सफल नहीं हुआ। उसके बाद 1988 में GG2 में भी कुछ लोग कार्य कर रहे थे, उनका क्षेत्र वो चाहते थे कि GG2 ही रहे, हमारा मकसद ऐसा है कम से कम विकासपुरी को शामिल किया जाए। तो धीरे धीरे घरों में हम मीटिंग करने लगे, हम उधर ग्रुप हमारा बन गया था, बाबूराम जी थे उसमें, एक VP सिंह भी थे, वो एक्सपायर हो चुके हैं बहुत पहले, और इधर पूरन सिंह जी से मुलाकात हुई हमारी। लोगों से आपको पूरा सहयोग मिला? हाँ, उस समय तो सहयोग मिला। आप अपने किए हुए कार्य से कितने संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ, मैं उतना सोचा नहीं है, लेकिन उससे भी अच्छा अब
जो हम देख रहे हैं बैठने की जगह, हम उस समय सोचते थे कम से कम बैठने की जगह तो हमारी बन जाए, कभी बाग में, कभी घरों में, कभी छतों पर, इस तरह हमारी जनरल मीटिंग या उस तरह की। और आपके साथ के जितने भी आपके साथी हैं, उन्होंने जितना सोचा उससे ज़्यादा उन्होंने प्राप्त कर लिया। हाँ, प्राप्त किया है। आपको इस बात का सुकून है कि जीवन में आपने बाबा साहब के रहते सहते उनके आदेश के अनुसार कुछ अच्छा काम किया? हाँ, हमें सुकून है इस बात का। और कुछ कहना चाहेंगे अपने जैसे कार्यकर्ताओं को आप? इसके लिए तो सभी को एक संकल्प करने की ज़रूरत है मन में कि हमें कुछ ना कुछ करना है। हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो इसी तरह के ख्याल हमारे जो साथी हैं सभी में हैं। और आपकी रिटायरमेंट कहाँ से हुई थी? रिटायरमेंट मेरा हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो आपने वो जो सरकारी काम है और जो सामाजिक काम है दोनों खूब बराबर किए? हाँ, दोनों खूब बराबर किए। इसके लिए भी मैं टाइम निकालता रहा, वहाँ भी पूरा काम करके ही शीर्ष से हटता था। आज का काम आज पूरा, आगे के लिए कुछ नहीं छोड़ना। तो इस तरह बाकी काम यहाँ मैं ये भी देखता आप था। आप अभी भी सामाजिक काम में लगे हुए हैं? हाँ, अब तो खैर साथी लोग आगे हैं। जो हम सोच रहे थे कि एक उत्तराधिकारी के रूप में मिलने चाहिए, वो तो नवाब सिंह जी आ गए हमारे साथ में, और वो आगे इन्होंने बढ़ाया काम को। बहुत ही हमें खुशी हो रही है इस बात की, जो काम छोड़ा गया है तो काम तो कभी पूरा नहीं होता, और भी आगे बढ़ेगा। तो उस समय के हमारे ग्रुप में पूरन सिंह जी हैं, बाबूराम जी हैं, ये हैं, अच्छे साथी आपको मिले सब? हाँ, सभी अच्छे साथी अच्छा थे। आपकी विकास तो, पूरी सोसाइटी पूरी दिल्ली में जानी मानी है। हाँ, पूरी दिल्ली में जानी महसूस होती है आपको? हाँ जी। और ये मंगल कामना होती है कि और भी लोग ऐसा पटन पे काम करें? बिल्कुल, ये होती है। चलिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू।